उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल रही तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में भी आग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी से हाहाकार मचा है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अप्रैल माह में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 79 जंगलों में आग लगने की घटना दर्ज की गई तो 53 अन्य प्रकार से आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई। अग्निशमन अधिकारी SD तिवारी ने बताया कि मई माह में यह आंकड़े कुछ कम हुए, लेकिन जून की शुरुआती दौर से ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक 278 मामले आग लगने के दर्ज किए गए, जो कि चौंकाने वाले आंकड़े हैं। साथ ही अग्निशमन अधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जागरूकता के चलते ही आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सकता है। मेरी तरफ से तो यही सलाह है फायर सर्विस की तरफ से कि सभी लोग अवेयर रहें, और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अपने घर में जैसे लाइट के जो भी उपकरण हैं हमारे, उनमें तार हैं, वायरिंग्स हैं, उनका ध्यान रखें, ओवरलोड ना होने दें, या अननेसेसरी कोई भी ऐसा उपकरण हमारा या गैजेट है उसको खुला छोड़ करके ना जाएं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहे। अन्य में आ जाता है जैसे कि हम लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कहीं आग लगा देते हैं और उसको समाप्त करने के लिए उसको ऐसे छोड़ के ना जाएं, पहले तो ना लगाएं, एक पर्टिकुलर डस्टबिन रखे हुए हैं उसमें डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत है जलाना है तो उसको छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि हवा से उड़ करके भी दूसरी जगह चिंगारी जा सकती है और आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो सभी लोग अवेयर रहें, और प्रत्येक आदमी जब इस बातों का ध्यान रखेगा तो शायद कि आग की घटनाएँ नहीं होंगी।